कबूल है में एक के बाद एक हो रहे हैं बड़े धमाके। निगहत फरहान से रिश्ता टूटने पर अपनी कलाई की नस काट लेती है और उसकी इस हरकत से हैरान परेशान असद जोया को अयान के घर ले जाता है, जहां अयान और जोया अपनी निकाह की आखिरी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं, यानी निकाहनामे पर साइन कर देते हैं। असद अपने सौतेले भाई बहन के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे तो देता है, पर उसकी ये कुर्बानी उसकी माँ दिलशाद को सही नहीं लगती। इसीलिए वो पहुँच जाती है अयान के घर जोया को अपने साथ वापस ले जाने के लिए। पर क्या वो जोया को अपने साथ वापस ले जाने में कामयाब होंगी? क्या एक बार निकाहनामे पर साइन करने के बाद असद और जोया अब कभी एक नहीं हो पाएंगे? ये सभी सवाल सारे फैंस के दिलों में हैं। पर हम आपको ये बता दें कि असद और जोया एक हो या ना हो, लेकिन अयान के साथ एक ही घर में रहकर जोया का सामना जल्द ही उस सच से होने वाला है जिसे वो काफी पहले से तलाश कर रही है। जोया को जल्द ही पता चलने वाली है अपने अब्बा की सच्चाई। वो ये जान जाएंगी कि उसके अब्बा अयान के गफूर मामा ही हैं। कबूल है में आगे और भी बड़े धमाके होने वाले हैं, और उन सब धमाकों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए टेली टॉक इंडिया। टू वॉच मोर सब्सक्राइब टू youtube.com/teletalkindia।